कहते हैं ना, अगर किसी भी चीज को शिद्दत से चाहा जाए तो उसे ऊपर वाला भी पूरा करने से नहीं रोकता। यही हुआ कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में, जहां कई सालों से स्थानीय लोग सरकार और वहां के नेताओं से पुल की मांग कर रहे थे, मगर वहां के लोगों की इस मांग को न तो सरकार ने पूरा किया और न ही किसी स्थानीय नेता ने। इसलिए उन्होंने इस मसले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। दरअसल मंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव मोगरा के निवासियों ने क्राउड फंडिंग के जरिए एक पैदल यात्री स्टील पुल का निर्माण पूरा किया। गांव के लोगों को मुख्य शहर, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और धार्मिक केंद्र स्थित हैं, वहां पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एक स्थानीय ने कहा, हम सरकार से इतने सालों से एक पुल के लिए कह रहे हैं, बार बार अनुरोध के बावजूद हमें सरकार से कोई मंजूरी नहीं मिली। आखिरकार हमने इसे अपने दम पर बनाने का फैसला किया और स्थानीय लोगों ने क्राउड फंडिंग के जरिए स्टील का पुल बना दिया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ग्रामीणों ने ये पुल सिर्फ 3 दिन में तैयार कर दिया। गांव के लोगों ने सिर्फ क्राउड फंडिंग ही नहीं बल्कि शारीरिक तौर पर भी काफी मेहनत की। इसके बाद सारे ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर इस पुल का निर्माण पूरा किया। आज यहाँ के स्थानीय लोग काफी खुश हैं, क्योंकि गांव के लोगों को अब अपने नजदीक के शहर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं इन लोगों को अब मेडिकल जैसी सेवाओं से भी महरूम नहीं रहना पड़ेगा। वाकई जब लोग ठान लें तो क्या नहीं कर सकते, और इसे ही कहते हैं माय इंडिया माय ड्यूटी। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।